हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीन पारुल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ DIY वर्क होम स्पेस, जो मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से। ये टेबल मुझे बहुत ही अच्छा लगा और यूज़ेबल लगा। जब आपको नीड होगी तो आप इसको अनफोल्ड करके इसका पूरा सेटअप कर सकते हैं। ये फोल्डेबल टेबल है जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी। इसकी क्वालिटी वाइज मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये, और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। आप देख सकते हो पैकेजिंग भी इसकी बहुत ही अच्छी आई थी। कलर ऑर्डर किया है वो आइवरी कलर का ऑर्डर किया है। इसमें दो ऑप्शंस थे, आप ब्लैक कलर का भी ऑर्डर कर सकते हैं। MRP इस टेबल की 8,000 रुपीज़ है, बट आफ्टर डिस्काउंट मुझे ये 3,800 रुपीज़ का आया था। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी। टेबल के बैक में इस तरह से थर्माकोल्स लगे होते हैं, आपको इसको रिमूव करना होगा तभी ये स्लाइड होके ओपन होगा। जब भी हम फोल्डेबल टेबल ऑर्डर करते हैं तो हमें लगता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा है, लाइट वेट ना हो, बहुत जल्दी इसकी जो रॉड्स आयरन है वो मोल्ड ना हो जाए, कहीं से मुड़ ना जाए, बट ऐसा नहीं है। आपको दिखने में ये लाइट वेट लग रहा होगा, बट एटलीस्ट ये 10 to 15 kg का है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है ये आया है। इसमें जो माइका यूज़ हुई है, जो वुडन यूज़ हुई है, वो भी बहुत अच्छी है। इसकी फिनिशिंग भी सब तरफ से अच्छी आई है। मैं सेटिस्फाइड हूँ प्रोडक्ट से। रॉड आयरन यूज़ हुआ है, वो भी हैवी क्वालिटी का ही यूज़ हुआ है। फिनिशिंग वाइज भी प्रोडक्ट परफेक्ट है। अब हम बात करते हैं इसको स्टाइल करने की। मैं एक रूम का ये कॉर्नर फाइनल किया था स्टडी टेबल को प्लेस करने के लिए। आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इसमें नेल लगवा लिया है। यहाँ पे मुझे कुछ फ्रेम्स और कुछ चीज़ों को हैंग करना है, इसलिए मैंने ऑलरेडी ड्रिल मशीन से इस पर ऑलरेडी नेल कर लिया है। इस कॉर्नर पे आप देख सकते हैं स्विचेस भी हैं, जब आपको जो भी लैपटॉप चार्ज करना है, मोबाइल चार्ज करना है, आप कंफर्टेबली चार्ज कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं कारपेट को प्लेस करूंगी फ्लोर पर। ये ऑलरेडी मेरे पास कारपेट रखा हुआ था, इसी को ही मैं प्लेस कर रही हूँ। अब मैंने टेबल को कॉर्नर में प्लेस कर दिया है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी डायरेक्ट सनलाइट आती है और बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर भी रहता है। मैंने ऑलरेडी नेल लगा लिया है यहाँ पे, क्योंकि मुझे इसमें एक ब्लैक बोर्ड हैंग करना था। क्योंकि आप कुछ भी राइट करते हो या कुछ भी आप नेक्स्ट डे का प्लान करते हो, आप उसमें लग सकते हो। ये मेरी हैंडमेड पेंटिंग्स हैं जो ऑलरेडी मैंने इसको पेंट किया हुआ था। अगर आपको इसका भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका भी वीडियो डाल दूँगी। आप देख सकते हो इस पे मैंने लिखा है व्हाट यू थिंक व्हाट यू बिकम। इट्स वेरी गुड कोट, मुझे बहुत अच्छा लगा था। वर्क हार्ड एंड ड्रीम बिग, जिस तरह से कोट्स आप हैंग करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आप मोटिवेट फील करोगे काम करने के लिए। भाई पेंटिंग लगाने के बाद बारी आती है टेबल को डिज़ाइन करने की। इसके ऊपर मैं एक मनी प्लांट रख दूंगी, क्योंकि प्लांट से ही बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनता है, काम करने में मज़ा आता है। एक बुद्धा जी को मैंने प्लेस किया है, जो ऑलरेडी एक लैम्प भी है, जिसमें आप नाइट में आप इसको जब ऑन करते हो तो बहुत ही सुंदर लगता है। मैंने एक लैम्प भी ऑर्डर किया था मीशो से, जो चार्जेबल लैम्प है, जिसको आप ऑन ऑफ एंड लाइट मोड भी आप डिसाइड कर सकते हो। इसको आप कैसे भी मोड़ सकते हो, बहुत ही अच्छा मुझे लैम्प लगा। एंड प्राइस वाइज भी ये बहुत ही सस्ता था, अराउंड ये शायद 250-300 रुपीज़ का आया था। ये एक जो बॉटल होती है कांच की, जो हमारे घर में ऐसी स्क्रैप में पड़ी होती है, इसको भी मैंने एक्रेलिक पेंट करके DIY बॉटल बनाया था। एक हमने हमारी फ़ोटो फ्रेम लगाई है, बिकॉज अपनी सामने अपनी फैमिली को देखते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होता है। कुछ बुक्स मैंने यहाँ पे कॉर्नर्स में रखती हैं, जो मैं यूजुअली पढ़ती हूँ। ये पेन स्टैंड है जो मेरे हस्बैंड के ऑफिस से उनको गिफ्ट में मिला था, इसको मैंने पेंट करके अपना पेन स्टैंड बना लिया है।
बस अब बारी आती है लैपटॉप को प्लेस करने के लिए। यहाँ पे आप अपने बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी करवा सकते हैं, अपना जो भी आपको वीडियो एडिटिंग करनी है या फिर जो भी काम करना है आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड सॉफ्ट म्यूज़िक के लिए मैंने एक स्पीकर यहाँ पे रख दिया है। बस मेरा टेबल रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मेरा कौन सा DIY आपको सबसे अच्छा लगा। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.